ब्यूटिफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर. सो माय ब्यूटिफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार, आप सभी लोगों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, खुशामदीद आज की इस रीडिंग के अंदर. सो अगर आपको ऐसा लगता है दैट देयर इज समवन जो कहीं ना कहीं आपको देख रहा है, आपके साथ है, आपके पास है, या अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई तो है जो कि आपके सामने नहीं है बट फिर भी आपको वॉच करता रहता है, आपकी सेहत बार बार ख़राब हो जाती है, आपको अजीबोगरीब सपने आते हैं, आपको अजीब अजीब सी चीज़ें महसूस होती हैं, ठीक है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपसे बात करना चाह रहा है या कोई आपसे कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है? क्या आपको ऐसा महसूस होता है? अगर होता है तो आज की जो ये रीडिंग है वो बिल्कुल आप लोगों के लिए ही है. आज की रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको ऐसा लगता है कि कोई तो है जो कि मुझसे बात करना चाहता है, मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है, कुछ तो ऐसा है स्पेसिफिकली जो मेरे साथ बहुत डिफरेंट हो रहा है, बहुत अजीब हो रहा है, ठीक है. सो इफ़ यू थिंक सो, अगर आपको ऐसा लगता है तो ये आज की रीडिंग आप ही की है. आज की रीडिंग का टॉपिक आप सभी लोगों के लिए, माय ब्यूटीफुल पीपल, कोई है जो कि आपसे कॉन्टेक्ट बनाना चाहता है, बात करना चाहता है, वो कौन है? क्या वो बुरा है, क्या वो अच्छा है, या वो अच्छा है पर बुरा कर सकता है, या फिर वो बुरा है लेकिन वो आपका कहीं ना कहीं भला चाहता है? आखिरकार कौन है जो आपसे बात करना चाहता है, कॉन्टेक्ट बनाना चाहता है? देयर इज समवन. अगर आप आज इस रीडिंग को देख रहे हैं तो यकीन मानिए कोई है जो आपसे बात करना चाहता है, ठीक है माय ब्यूटीफुल पीपल. सो आज की रीडिंग का टॉपिक यही है. एक चीज़ और मैं यहाँ पर बोलूँगी, अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके शरीर के ऊपर आपको अजीबोगरीब रैशेस से होते हैं, ये रैशेस तो मुझे लियो ने दिए हैं, ठीक है, मैं तो बता रही हूँ आपको कि आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपको अजीबोगरीब से रैशेस से आपको महसूस होते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो है, कोई तो है जो मुझे स्टॉप कर रहा है, तो ये आज की रीडिंग आपके लिए. मैंने इंडिकेशंस बताई हैं आपको ये, ठीक है. सो माय ब्यूटीफुल पीपल, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग. अब आप कहेंगे पायल्स तो है ही नहीं, तो ये जो डेक है ना, ये बहुत ही खूबसूरत डेक है. दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल. आप देख सकते हैं कार्ड्स, देखिए कितने प्यारे हैं और कितने प्यारे प्यारे मीनिंग है. कर्मा का कार्ड है, तो बहुत ही खूबसूरत सा डेक है. तो आज मैंने सोचा कि इस डेक को मैं इस्तेमाल करूँगी फॉर द पाइल मेकिंग, ठीक है. तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं. हे ईश्वर, हे डिवाइन स्पिरिट्स, गाइड कीजिएगा. मैं यहां से तीन कार्ड्स लेने वाली हूं. हम कर रहे हैं एक प्यारा सा पॉजिटिव सा टैरो सेशन. कार्ड्स के थ्रू पता करेंगे आपके साथ जो इंडिकेशंस मैंने अभी आपको रीडिंग स्टार्ट होने से पहले बताई, अगर हो रही हैं तो ये रीडिंग आपकी है. कोई आपसे बात करना चाहता है, कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है. दिस इज फर्स्ट कार्ड, ये है दूसरा कार्ड, और ये है तीसरा कार्ड. दीज आर दी थ्री कार्ड्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. क्रिस्टल्स भी रख देती हूँ. ब्लैक टर्मलाइन कार्ड पाइल नंबर वन के लिए, कार्ड नंबर वन के लिए. रोज क्वार्ट्ज पाइल नंबर टू के लिए. क्लियर क्वार्ट्ज, ये क्लियर क्वार्ट्ज है, क्लियर क्वार्ट्ज पाइल नंबर थ्री के लिए, ठीक है. तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए पिक किए हैं. दीज आर दी पाइल्स फॉर माई ब्यूटिफुल पीपल, ओके. पाइल नंबर वन में आप लोग पाइल्स के हिसाब से वन टू थ्री ऐसे भी पिक कर सकते हैं अपने लिए, या आप कैसे पिक कर सकते हैं, ब्लैक क्रिस्टल पाइल नंबर वन,
ठीक है, पाइल नंबर टू रोज कोर्ट, ओके, पाइल नंबर थ्री द ब्यूटिफुल क्लियर क्रिस्टल, ओके, ठीक है जी। चलिए शुरू करें, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर ये आप लोगों से रेजोनेट होती है तो, और रेजोनेट का मतलब मैच होती है तो। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि अगर आप लोग मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं और अभी तक आप अगर इस फैमिली का पार्ट नहीं है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, और बेल नोटिफिकेशंस ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको कमिंग वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर वन, बिना किसी देरी के, विदाउट एनी देरी डिले। तो शुरू करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार मुझे देना ना भूले। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं विद द पाइल नंबर वन। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर वन पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम आज के इस प्यारे से रीडिंग के अंदर। आज के रीडिंग का टॉपिक, आई होप आपने अच्छे से कार्ड पिक करे हैं, अच्छे से आपने टॉपिक को समझा है। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपके आसपास कोई भी अदृश्य ताकत, एनर्जी कुछ मौजूद है, कोई है जो आपसे किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट करना चाहता है, देयर इज समवन जो आपसे किसी प्रकार की कोई बात करना चाहता है, क्या कोई ऐसा है? इफ है सो दिस रीडिंग इज फॉर यू। अगर आप इस रीडिंग की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है, आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज समवन जो आपसे कुछ बात करना चाहता है। ठीक है, ये कोई अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, कोई अच्छा हो सकता है जो बुरा बन रहा है, या कोई बुरा हो सकता है जो आपका अभी भला चाह रहा है। सो कुछ अभी कार्ड्स नहीं पिक करे तो कुछ भी मैं बता नहीं सकती, बट हाँ आज के वीडियो का टॉपिक यही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने पिक किया पाइल नंबर वन को, और आप लोगों ने पिक किया है खूबसूरत ब्लैक टर्मलाइन को। यू कैन हैव अ लुक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस कार्ड के अंदर क्या आया है। ओके, सो इस कार्ड के अंदर है रिप्रेशन, कार्ड नंबर 22। इस नंबर को हम इग्नोर नहीं कर सकते, आई को इग्नोर नहीं कर सकते, दोनों हैंड्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एंड दिस इज मून की ऊर्जा, अद्र चंद्र की एनर्जी है, आधे चांद की एनर्जी है, और यहाँ पर ये जो रेज है ये बताती है कि ये सन भी है, और यहाँ पर स्टार भी है, पूरी गैलेक्सी मौजूद है, ह्यूमन की एनर्जी है, गॉड की स्पिरिट है, आई भी है, स्टार भी है, एवरीथिंग इज देयर। और फिर कार्ड नंबर 22 है। 22 नंबर और 11 नंबर होता है मास्टर नंबर। ठीक है, 11 नंबर और 22 नंबर होता है मास्टर नंबर। मास्टर नंबर की एनर्जी हमेशा होती है परमात्मा से बहुत स्ट्रांगली अलाइन। इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर वन पीपल, आप लोगों के जीवन में ना परेशानियों का तांता लगा हुआ है समहाउ। ठीक है, आप एक परेशानी से निकलते हैं, दूसरे में घुस जाते हैं, दूसरे से निकलते नहीं हैं कि तीसरी पहले खड़ी होती है। एंड मुझे ये कार्ड ना एक अलग से तिलस्मी सी एनर्जी दे रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट जिन्होंने भी पाइल नंबर वन को पिक किया है, दे आर वेरी मच सेंसिटिव, दे आर वेरी मच साइकिक बाय देयर नेचर। आप लोग बहुत साइकिक हैं, बहुत सुपर्ब हीलिंग का काम करती है आपकी एनर्जीज। आप लोगों को ना गिरे हुए इंसान को आप उठा करके उसको संभाल लेते हैं, आपके अंदर हीलिंग की कैपेसिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं। आप एक इस प्रकार के इंसान हैं जो लोगों को समझना पसंद करता है, जो लोगों को सुनना पसंद करता है। यू आर गुड लिसनर, गुड स्पीकर टू। आप अच्छा बोलते भी हैं, आप अच्छे कन्विंस भी करते हैं, आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर भी हैं, और आपकी जो एनर्जीज हैं वो बहुत साइकिक हैं। यू गाइज आर बाय बर्थ साइकिक। आप साइकिक का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो होने वाली चीज़ों को पहले ही भाप ले। आप एक एम्पैथ हो सकते हैं, एक हीलर हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ आधे चांद की भी एनर्जी है, सन की भी एनर्जी है, यहाँ पे आई भी है, स्टार भी है, दो हैंड्स भी हैं। आप देख सकते हो ये दोनों हैंड्स ना ह्यूमन हैंड्स है, ह्यूमन हैंड्स ऐसे, ठीक है, और ये कुछ मांग रहे हैं। जैसे मुस्लिम्स में तो ऐसे होता है ना, ऐसे प्रेयर करते हैं, ठीक है, तो ये वो प्रेयर के हैंड्स हैं, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को, ये वो ऐसे प्रेयर्स के हैंड्स हैं। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ।
मैंने किसी जाति का नाम ले लिया तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं कोई जातिवाद फैला रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने भी फालतू की बकवास नहीं करनी कमेंट सेक्शन में, इट इज़ नॉट लाइक दैट। मैं बस आपको इस कार्ड से रूबरू कराने की कोशिश कर रही हूँ, एनर्जीज पिक करने की कोशिश कर रही हूँ। चाहे आप प्रेयर ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कुछ भी कर लो, परमात्मा तक आपकी आवाज़ जाती है तो इट डजेंट मैटर एट ऑल। तो ये एनर्जी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि कुछ मांगने वाली एनर्जी है, ठीक है। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, जैसे हम परमात्मा को याद करते हैं, और ये कहीं ना कहीं परमात्मा की एनर्जी, सोलर है ना, सोलर एनर्जीज हैं, पूरी पूरी गैलेक्सी मौजूद है कहीं ना कहीं। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप एक साइकिक होने के साथ साथ एक हीलर हैं, आप हो सकता है टैरो रीडर हैं, रेकी मास्टर हैं, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे आप लोगों को कनेक्ट कर पाते हैं, लोगों के साथ जुड़ पाते हैं, या फिर आपके आप कोई ऐसा काम नहीं करते, आप अकल्ट साइंस में नहीं है, स्टिल आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो लोगों को हील करती है, मैं ऐसा महसूस करती हूँ। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि आपका परमात्मा के ऊपर एक गहन भरोसा है, ट्रस्ट है आपका, कि चाहे जो मर्जी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी हारूंगा नहीं, मैं कभी थकूंगी नहीं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, ठीक है, बाय दिस ब्यूटीफुल कार्ड नंबर 22। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग और चेक करते हैं कि आखिरकार सिचुएशन है क्या। ओके, एंड फॉर दिस आई नीड टू पिक कार्ड्स। सबसे पहले हम टैरो से ही चेक करेंगे क्योंकि हम टैरो रीडिंग्स कर रहे हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपके साथ कौन है और वो आपसे क्या कहना चाहता है, ठीक है, या कहना चाहती हैं या कहना चाहते हैं। बिकॉज हो सकता है कोई एक है आपके साथ, या कोई हो सकता है कि बहुत सारी एनर्जी है आपके साथ, इट डजंट लाइक मैटर एट ऑल, क्योंकि हमें पता नहीं है ना। मैटर तो तब करेगा जब हमें पता लग जाएगा। कुछ भी अगर नेगेटिव हुआ ना पाइल नंबर वन पीपल, तो घबराना नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि अरे यार अब क्या करूँगी या क्या होगा, ऐसा नहीं करना है। मैं रेमेडीज़ बताऊँगी अगर कुछ भी नेगेटिव होता है तो। वैसे मैं सही बोलूँ, अभी तक मुझे किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी की फीलिंग नहीं आई। पाइल नंबर वन पीपल, आप लोग प्रॉमिस बहुत करते हैं। ओहो, कह तो रही हूँ। आप लोग प्रॉमिसेस बहुत करते हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि यू गाइस कीप प्रॉमिसिंग टू योर सेल्फ, टू द पीपल, टू योर लव्ड वंस, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है, आप लोग प्रॉमिसेस बहुत करते हैं। प्रॉमिसेस करते हैं या फिर लोगों को अपने एतमाद में रखते हैं, लोगों को अपने भरोसे में रखने की पूरी कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, जहाँ ज़रूरत नहीं है ना वहाँ पे भी आप लोगों को, चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा यू नो, ये कार्ड नहीं आना चाहता, मुझे हाथ में लेते महसूस हो गया। क्या बता रही थी मैं, यस, कि एक्सप्लेन बहुत करते हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं भी है ना वहाँ पे भी एक्सप्लेन करते हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा। और एक कार्ड और एस ऑफ पेंटिकल, देखा, अगर आना होता ना उस कार्ड को तो वो आता फिर। बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो वॉट इंटेंशंस दैट एनर्जी हैविंग राइट नाउ, वो एनर्जी क्या कहना चाहती है, वो मैंने यहाँ पर इस चीज़ के लिए कार्ड्स निकाले हैं, ये चार। अब मैं निकाल रही हूँ कि वो जो एनर्जी है उसके इंटेंशंस, करेज, देन वी हैव कंडीशनिंग, उसके बाद है दिस स्क्रीजोफेनिया, और एक चीज और, एक कार्ड और, थंडरबोल्ट। बॉटम ऑफ द डेक, एक्सपीरियंसिंग। बचना चाहिए पाइल नंबर वन पीपल,
जरूरत है। द स्टोरी टेलर, वेकिंग द लायन, बॉटम ऑफ द डेक, द हायर व्यू। क्या आपके साथ कोई रहता है? हाँ बिल्कुल रहता है जी, बिल्कुल रहता है। क्या वो नेगेटिव है या वो पॉजिटिव है? ना वो नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव है, वो न्यूट्रल है। तो वो कौन है? जब भाई ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है तो कौन है, बता दूं? पाइल नंबर वन पीपल, वो कोई और नहीं है, दिस इज योर स्पिरिट गाइड्स, स्पेशली एनिमल स्पिरिट की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है? एनिमल स्पिरिट की एनर्जी है, आपके आसपास एनिमल स्पिरिट्स रहती हैं। एनिमल स्पिरिट्स कौन होते हैं? हर इंसान के पास उनके खुद के ना परमात्मा ने टूल्स बना के भेजे हुए हैं। टूल्स का मतलब हो गया कि आपको जो सहारा दे सके। सबसे पहले परमात्मा हर जगह नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए उन्होंने माँ बना के भेज दी, ठीक है? अब कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके कर्म इतने खराब होते हैं कि उनको कार्मिक मदर मिल जाती है, ठीक है? और इसीलिए उन्होंने माँ भेज दी वैसे 3D वर्ल्ड के लिए, और वैसे संभालने के लिए वो परमात्मा ने एंजल्स बनाए, पर्सनल आर्क एंजल्स बनाए आपको स्पिरिचुअली अवेकन करने के लिए, एनिमल स्पिरिट्स बनाई और स्पिरिट गाइड्स एंड एंसेस्टर्स भी बनाए हैं। एंसेस्टर्स तो बन गए, ठीक है? तो कौन है यहाँ पर आप लोगों के लिए? आई एम सीइंग एक स्ट्रॉन्ग लेवल, मैं बताऊंगी भी कि आपके एनिमल स्पिरिट कौन है, ठीक है? कार्ड्स लेके बैठी हूँ मैं, शायद इसीलिए मैं कार्ड्स लेके बैठी हूँ, नाउ आई गॉट इट। बताऊंगी भी, आपके एनिमल स्पिरिट रहते हैं आपके साथ और वो आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर, सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर हम गौर करेंगे कि आखिरकार वो आपको क्या कहना क्या चाहते हैं, ठीक है? तो बेसिकली आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर एक एनलाइटमेंट है, ठीक है? आपके अंदर एक हीलिंग कैपेसिटीज है, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था इस कार को देख करके। उस एनर्जी को वो चाहते हैं कि आप इस्तेमाल में लें। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अकल्टिस्ट हैं, अकल्ट के अंदर हैं, यानी कि टैरो करते हैं, रेकी करते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में है, कुछ भी कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं बट लोगों की हेल्प ज़रूर करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं बट किसी की मदद नहीं कर रहे हैं। अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ इज, आप अभी इस एनर्जी में हैं, कंडीशनिंग, आप हो सकता है पाइल नंबर वन पीपल किन्हीं ऐसे कॉजेज में, किन्हीं ऐसी चीज़ों के अंदर फंसे हुए हैं समहाउ, जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं। आप अपनी लाइफ को ना दूर से देख रहे हैं विद दिस स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड, आप अपनी लाइफ को दूर से देख रहे हैं बट आप चीज़ों को डील नहीं कर पा रहे हैं समहाउ, ठीक है? और आपकी जो लाइफ के अंदर है ना, पास्ट कुछ समय से, मैं कुछ समय देख रही हूँ यहाँ पर कि पास्ट कुछ समय से ना बहुत परेशानियाँ भी आई हैं, दिस इज ऑल्सो आई एम गेटिंग, बट आप क्या कर रहे हो ना, आप अपने ट्रू पोटेंशियल को बाहर नहीं निकाल रहे हो, ठीक है? आप अपने ट्रू पोटेंशियल को बाहर नहीं निकाल रहे हो और आपके जो एनिमल स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको चाहते हैं। आपके ये स्पिरिट गाइड्स भी हो सकते हैं, यानी कि एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है? एनिमल स्पिरिट्स और स्पिरिट गाइड्स दोनों अलग होते हैं। एनिमल स्पिरिट तो किसी पशु या पक्षी के भेष में होते हैं, ठीक है, जो हमें गाइड करते हैं, और स्पिरिट गाइड्स कौन होते हैं? जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि दोनों की ही एनर्जी है। और सबसे स्ट्रांग चीज़ वो चाहते हैं कि आप अपना ट्रू पोटेंशियल बाहर निकाल के लाएं। उन्होंने आपको, पाइल नंबर वन पीपल, बहुत बार एक चीज़ बोली है, एक चीज़ समझाई है कि आप ना 3D वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। 3D वर्ल्ड कौन सा है? जिसके अंदर लोग आपको आपके नाम से जानते हैं, आपके काम से जानते हैं, आपके प्रोफेशन से, आपके करियर से जानते हैं, ठीक है? आप अच्छा करते हो तो आपको अच्छा रिएक्शन मिलता है, बुरा करते हो तो बुरा रिएक्शन मिलता है, सडन रिएक्शंस मिलता है। तो दिस इज 3D वर्ल्ड, जहां हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, कमा रहे हैं, सो रहे हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें 3D वर्ल्ड है। अब आप क्या हो ना, इस 3D वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। कोई जाता है या कोई आपको परेशान करता है तो आप बहुत परेशान होते हो, आप एकदम नॉर्मल ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहे हो। अब आप बोलोगे प्रियंका क्या बातें कर रही हो, नॉर्मल ह्यूमन है तो ह्यूमन की तरह बिहेव करेंगे ना, बट यू गाइज आर नॉट एट ऑल अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। पाइल नंबर वन पीपल, स्टोरी टेलर का कार्ड है कार्ड नंबर 17, और कार्ड नंबर 19 वेकिंग द लायन, अगेन वेकिंग की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है? देखो देखो देखो,
वेकिंग लायन, अब दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। तो वेकिंग लायन की स्पिरिट है यहाँ पर, दैट मीन्स कि आपके जो स्पिरिट्स हैं ना वो आपको बोलना चाहते हैं दैट यू आर नॉट एट ऑल आम आदमी, यू आर नॉट नॉट एट ऑल अ मैंगो मैन। आपको इस चीज़ से बाहर आने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको इस चीज़ की एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है, अपने ट्रू पोटेंशियल को समझने की ज़रूरत है। जब तक आप अपने ट्रू पोटेंशियल को नहीं समझोगे तब तक आप लोगों की हेल्प नहीं कर पाओगे, और जब तक आप लोगों की हेल्प नहीं कर पाओगे तब तक आप अपने सोल पर्पस को अचीव नहीं कर पाओगे। एंड अगेन द सेम थिंग, जब तक आप अपने सोल पर्पस को अचीव नहीं कर पाओगे तब तक आप इस 3D वर्ल्ड से नहीं निकल पाओगे। सो बेसिकली यू आर वेरी कनेक्टेड टूवर्ड्स द 3D रियालिटी, आप इस 3D वर्ल्ड से बहुत कनेक्ट हो गए हो। आपको इस कनेक्शन से बाहर आने की ज़रूरत है। आप माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी, बच्चे, फ्रेंड्स, कलीग्स, है ना, बहुत घुस रहे हो आप रिश्तों के अंदर, बहुत घुस रहे हो आप लोगों के लिए, बहुत कर रहे हो एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और फूल का कार्ड, आप बहुत कॉन्फिडेंट होके लगे पड़े हो, मेटरलिस्टिक खोज में लगे हुए हो। देखो बहुत ज़रूरी है, गाड़ी का होना भी ज़रूरी है, बाइक का होना भी ज़रूरी है, अच्छे काम का होना ज़रूरी है, प्यार का होना ज़रूरी है, हर चीज़ का होना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छा बड़ा घर नहीं होना चाहिए या छोड़ो ये सब चीज़ें, ये तो बेफिजूल है। नहीं, बेफिजूल कुछ नहीं है, लेकिन ये तब तक ही यूज़फुल है जब तक आप इस चीज़ को एक लिमिटेड प्रैक्टिकल अप्रोच दे रहे हो। अगर आप इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा घुस गए हो ना, ठीक है, कि मेरे को तो ये चाहिए या मेरे को तो ये करना है, अगर आपको आप ऐसा कर रहे हो ना, दैट मीन्स एट ऑफ सोल्स, आप कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे खींच रहे हो। सो यू गाइज नीड टू कम आउट फ्रॉम दिस नेगेटिव मेटरलिस्टिक अप्रोच, आपको बाहर आने की ज़रूरत है। और आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना, उनके इंटेंशंस बिल्कुल भी गलत नहीं है आपको लेकर के। लेकिन क्या होता है ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, वो भी हमें पनिश करते हैं जब हम कोई गलत काम करते हैं। हमारे पेरेंट्स हमें एक बार सिखाते हैं, दो बार सिखाते हैं, तीन बार सिखाते हैं, 10 बार सिखाते हैं, लेकिन 11वीं बार, मुझे ऐसा लगता है 11वीं बार भी नहीं जाता होगा कोई 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 पेरेंट, तो दूसरी बार में ही एक चपेड़ आया और बस सिखा दिया। तो वो जो चपेड़ है ना, वो कहीं ना कहीं मारने की कोशिश में है अब, ठीक है, स्पिरिट गाइड्स जो है, कि बस बहुत हो गया, इस बंदे को कितना ही समझा लिया, कितना ही करवा लिया, लेकिन ये फिर भी सेम गलतियां रिपीट कर रहा है। देखिए, आपके जीवन में कोई भी शख्स आता है, जाता है, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, चाहे वो पैसे में हो, करियर में हो, प्यार में हो, किसी भी चीज़ में हो, कुछ भी अगर आपके साथ हो रहा है ना पायल नंबर वन पीपल, तो उसके अंदर आप कुछ सीख रहे हो। हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, अगर हम सोचने बैठे ना रात को सोने से पहले कि आज के दिन से हमने क्या सीखा, हमारा दिल हमें आवाज़ देगा कि हाँ हमने ये चीज़ सीखी आज, ठीक है। अब हमने कुछ सीखा, लेकिन फिर भी हम सेम गलती वही रिपीट कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। और कोई भी हो, चाहे वो परमात्मा ही क्यों ना हो, आपको एक बार सिखाएंगे, दो बार सिखाएंगे, 10 बार सिखाएंगे, 11वीं बार आपको चपेड़ मारेंगे, गंदी वाली चपेड़ मारेंगे, ताकि आप समझो। तो ये थंडरबोल्ट का जो कार्ड है ना, ये जो टावर का कार्ड है, वही चपेड़ के बारे में बता रहा है कि अब उनकी इंटेंशन जो है ना, आपको चपेड़ मार के सिखाने की है, क्योंकि उनका कर्तव्य यही है, उनका काम ही यही है, उनको करना ही यही है। तो आप स्क्रीजोफेनिया वाली नेगेटिव एनर्जीज में चले जाएं, उससे पहले पहले आप अगर किसी प्रकार की कोई गलती अपने जीवन में कर रहे हैं, किसी चीज़ को सीखने के बाद भी, अब ये कोई भी लेसन हो सकता है, इक्वल गिव एंड टेक का लेसन हो सकता है, कि कोई भी चीज़ आपने सीखी है उसका लेसन हो सकता है, कोई भी बिहेवियरल चीज़ कि मुझे किस पे कितना भरोसा करना है, क्या करना है, क्योंकि हर किसी इंसान का अलग लाइफस्टाइल है, अलग लेसन है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। सो दिस इज जनरल रीडिंग, एंड व्हाट आई एम गेटिंग हियर इज, आपके आसपास जो रहते हैं वो आपके एनिमल स्पिरिट्स हैं या स्पिरिट गाइड्स हैं, ठीक है। वो आपको ये सिखाना चाहते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं कि आप एक कॉमन मैन नहीं है, आपको अपनी स्पिरिट को जगाने की जरूरत है, आपको अवेकन करने की जरूरत है। कुछ मत करो जो आपने सीखा है, जिस भी नेगेटिव सिचुएशन में आपने जो कुछ भी सिखाया है, जो भी सीखा है, उस चीज़ को समझो, आगे बढ़ो उसके साथ में, क्योंकि एक जब आप एक उम्र में आ जाओगे ना, जब आपकी उम्र हो जाएगी 60-70 करीब, और जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरी जिंदगी के ऊपर तो एक वेब सीरीज बन सकती थी, ठीक है, एक पूरा का पूरा ड्रामा बन सकता था। और आपको बोला जा रहा है कि वेकिंग द लायन, अपने अंतर मन के जो लायन है ना, उसको आपको जगाने की ज़रूरत है, इसीलिए यहाँ पर रिप्रेशन का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। तो उसको जगाएं, उसको आगे बढ़ाएं, दिस इज़ व्हाट योर स्पिरिट्स वांट्स टू से। और अगर आपने इतना समझाने के बाद भी, आज इस वीडियो को भी आपने मैनिफेस्ट किया है, अगर इतना समझाने के बाद भी आप नहीं समझे, तो फिर याद रखना, चपेड़ इज़ कमिंग फॉर यू, ठीक है।
और वो भी बहुत अच्छी वाली होगी। टावर का कार्ड तभी हमारे जीवन में आता है जब हम बता बता के सिखा सिखा के भी कोई नहीं समझ रहा होता ना, तो फिर भगवान क्या करते हैं ना, फिर उसको ऐसा झटका मारते हैं कि वो बंदा समझे। अपन वो डायलॉग मारते हैं ना कि ये नहीं समझ रहा, इसको वक्त सिखाएगा, तो वो जो वक्त सिखाने वाली एनर्जी है ना, वो ये वो वक्त है। ठीक है, तो ये आ गया, आपको सीख जाना चाहिए, अपने लेसन्स को रिवाइंड कर लेना चाहिए, रिमाइंड कर लेना चाहिए और सीख जाना चाहिए। नाउ हु इज योर एनिमल स्पिरिट? ईगल हो सकता है, कोई भी पक्षी हो सकता है या पिकॉक हो सकता है। स्पिरिट हैज योर बैक। अब मैं और क्या बोलूँ बताओ, यहाँ पे अगेन द सेम कार्ड अपेयर्स दैट स्पिरिट हैज योर बैक, यानी आपके पीछे स्पिरिट हमेशा काम कर रही है, कार्ड नंबर 23। ठीक है, एंड कार्ड नंबर 46, पिकॉक स्पिरिट लेट इट शाइन, यानी कि आपको शाइन करने के लिए भेजा है परमात्मा ने, आपको लोगों की मदद करने के लिए भेजा है, और आप आटे दाल चावल में लगे हुए हो। दिस इज नॉट एट ऑल अ गुड एनर्जी, इस चीज से बाहर आइए। ठीक है, सो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके आसपास जो अदृश्य शक्ति है वो आपको यही संदेश भेजना चाहती है कि इस चीज़ से बाहर निकलो, अदरवाइज उनका चपेट आएगा, फिर सह नहीं पाओगे, फिर रोओगे, फिर डबल सिखाएंगे वो, फिर परेशान होगे। तो इट्स बेटर फॉर अस कि हमने जो सीखा उसको रिवाइंड कर लें। ठीक है, सो रिप्रेशन का कार्ड इसीलिए था, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया था, सो दिस इज All about your reading. I hope आप लोगों से resonate हुई होगी और आप अच्छे से समझे होंगे. So pick your energy, have some positive faith towards the towards your spirit guides, towards your angels, towards your परमात्मा, और निकलो इन सब चीज़ों से बाहर. आपका उद्देश्य सिर्फ आटा दाल चावल नहीं है, आपका उद्देश्य कुछ बड़ा है जिसको पाने के लिए you need to do some positive hard work. Okay? So इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में अपना प्यार मुझे देना ना भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे काम एक और नई रीडिंग के अंदर, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों ने इस खूबसूरत से रोज कोर्ट को पिक किया था तो दिस इज ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, रोज कोर्ट को रोज कॉर्ड को आप लोगों ने पिक किया है, दिस इज ऑल अबाउट योर रीडिंग माय ब्यूटीफुल पीपल। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या कार्ड है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं जल्दी से। और मुझे नहीं पता आज कैमरे में क्या प्रॉब्लम हो रही है, कभी जूम नहीं कर रहा है, कभी क्या दिक्कत आ रही है इसको, आई थिंक अभी दिख रहा है। ओके तो क्योंकि जब मैं खो जाती हूँ ना, जब मैं रीड कर रही होती हूँ कार्ड्स, तो मुझे नहीं पता होता है कि कैमरा अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, पता नहीं इसका फोकस ऑफ अट्रैक्शन कहाँ जा रहा है, आई डोंट नो। ओके सो कौन सा कार्ड है पाइल नंबर 2 वालों के लिए? आप लोगों के लिए कार्ड है द कार्ड नंबर 23, रिग्रेट्स। यहां पर देखो, यहां पर एक जानवर है, ठीक है, एरीज की एनर्जी है ये। ओके, एरीज की एनर्जी है ये। यहां पर 1, 2, 3 तीन आंखें बनी हुई हैं। यहाँ पर अद्र चंद्र की भी एनर्जी आप लोग देख सकते हैं, आधे चांद की एनर्जी है। लेट मी जूम इट फॉर यू। आधा चांद है, आँख है यहाँ पर, इस आँख के अंदर भी आधा चांद है, और स्टार है यहाँ पर भी, आँख है यहाँ पर भी, आँख है, स्टार 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 स्टार, और ये जो आँख है ना, इसमें से पानी गिर रहा है, यानी कि ये एक रोने की एनर्जी है। और कार्ड नंबर 23 है, 3, 2, 5 पांच नंबर, और यहाँ पर लिखा हुआ है रिग्रेट। अब मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल कि कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को लेकर के, कुछ बातों को लेकर के हो सकता है किसी प्रकार के रिग्रेट में है, और आपको वो चीज़ समझ नहीं आ रही है कि उस चीज़ से कैसे बाहर निकलें। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप लोगों के साथ में या तो कुछ ऐसा हुआ है, या आपने किसी के साथ ऐसा कुछ किया है जिसका मलाल आपको बहुत ज़्यादा है। मलाल है लिटरली, ठीक है, सच में मलाल है। और ये जो मलाल है ना, ये बहुत लंबे अरसे से चल रहा है। जैसे कि होता है ना कि यार उस वक्त मैंने उसकी बात नहीं मानी, मेरे साथ ऐसा हो गया, या क्या मैं ये डिज़र्व किया करती थी कि परमात्मा ने मुझे ये चीज़ दी है, काश उस वक्त मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती तो आज मैं कहाँ से कहाँ होती। मतलब किसी प्रकार का रिग्रेट है, या तो खुद को इम्पोर्टेंस ना देने का, या समय पर पढ़ाई ना करने का, या समय पे अपने लिए स्टैंड ना लेने का, या समय पे अपने लिए कोई एक्शन नहीं लेने का, कोई मलाल है। और वो बहुत स्ट्रांग मलाल है, वो बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, जहाँ पर मैं फील कर रही हूँ कि आप खुश नहीं है, ठीक है, आप स्टेबल नहीं है, एक स्टेबल फॉर्म में नहीं देख रही हूँ, ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग।
कि एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी, एक पॉजिटिविटी सी नहीं है. हो सकता है पाइल नंबर टू पीपल आप लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं. ठीक है, मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं और आपके मन में जो है खुशी नहीं है चीज़ों को लेकर के. आपके मन में ना एक स्ट्रांग पॉजिटिविटी नहीं है और आप बस जी रहे हैं, अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं ढो रहे हैं. मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है. एंड यहाँ पर रोने की एनर्जी है, दैट मीन्स यहाँ पर टीयर्स है. तो मुझे टीयर्स ऐसी एनर्जी दे रहे हैं कि आपके मन में कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत रोना भरा हुआ है. एक इंतहा आ जाती है, मैं आपको बताती हूँ, एक इंतहा आ जाती है जहाँ पर हमें सिर्फ मलाल रह जाता है, दुख रह जाता है कुछ चीज़ों का, कुछ हमारे एक्ट्स का, कुछ हमारे गलत फैसलों का, है ना. और उस चीज़ के पीछे हमें फिर रोना आना बंद हो जाता है, हमारे आंसू सूख जाते हैं, लेकिन हमारे मन में ना उस चीज़ का दुख ज़रूर रह जाता है, मैंने ये क्यों किया. ठीक है, चाहे फिर वो छोटा हो चाहे बड़ा हो. तो इसी प्रकार का कोई मलाल मैं यहाँ पर देख रही हूँ फॉर द फाइल नंबर टू पीपल. एंड इफ इट दिस कार्ड इज नॉट रेजोनेटिंग फ्रॉम योर सिचुएशन एंड फ्रॉम योर एनर्जी, देन गाइज यू नीड टू पिक अनदर पाइल. ठीक है, कोई और पाइल आपको पिक करने की जरूरत है अगर ये एनर्जी आप लोगों से मैच नहीं हो रही है. चलिए शुरू करते हैं फॉर पाइल नंबर टू पीपल. कार्ड नंबर 23 रिग्रेट का कार्ड है. आपको हो सकता है ऐसा भी लग रहा हो कि मैंने तो गलत काम कर दिया, भगवान तो मुझे इस चीज़ के लिए पनिश करेंगे और अब मुझे क्या करना चाहिए, मैंने तो बहुत अपने साथ ही गलत कर दिया. ये तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है. ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है जैसे कुछ लोगों को डर है. आप लोग जब सुनते हैं ना, आकाशा होती है, आकाशीय किताब होती है, उसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ होता है. ठीक है, कुछ लोगों को इस प्रकार का भी डर है कि मैंने जिसके साथ कुछ गलत किया है, या ऐसा नहीं है कि आपने जान के किया है, हो सकता है आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने अनजाने में किसी का कुछ गलत कर दिया. ठीक है, या किसी को गलत समझ लिया, ऐसा भी हो सकता है. तो जो ये हुआ है ना, जो कुछ भी हुआ है, जिस भी चीज को लेकर आप रिग्रेट में हैं, यू गाइज हैव लॉन्ग नेगेटिव अप्रोच की यार वो मेरे बारे में क्या सोचे, या उसके साथ कुछ गलत हो गया तो भगवान मुझे कितना पनिश करेंगे. टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मेट, फिर हमारे पास कार्ड है द लवर्स. ये कार्ड नहीं आना चाहता. अगर आना चाहता है ना तो अभी मैं शफल कर रही हूँ, आ जाएगा फिर से इफ दिस कार्ड वॉन्ट्स टू कम. बट मुझे इसकी एनर्जी फील नहीं हुई तो मैंने नहीं पिक किया. एस ऑफ सोच, फोर ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. देखो नहीं आना था ना उस कार्ड ने, इसीलिए वो नहीं आया. ओके, ऐसे रख देती हूँ कार्ड्स को. ओके, दो कार्ड्स आ गए अपने आप ही. अर्थ मैजिक एंड टेंडर एम्ब्रेस, अगेन इमोशनल कनेक्शंस के कार्ड हैं. हो सकता है कि आपने अनजाने जाने जिसके साथ भी जो भी आपने किया है, या जिस भी प्रकार का अगर आपको मलाल है, वो उसके अंदर किसी प्रकार का कोई इमोशन जुड़ा हुआ है. वो कोई मेटरलिस्टिक अप्रोच नहीं है. कुछ कोई इंसिडेंट जुड़े हुए हैं, कुछ कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है. एंड कुछ कार्ड हम यहाँ से भी लेंगे कि आपके साथ जो भी कोई रह रहा है, या जिस जो भी अदृश्य एनर्जी आपके साथ है. आई डोंट नो व्हाई मेरे गले में ना ऐसा लग रहा है कांटे से चुभ रहे हैं जैसे. हो सकता है आप लोग बहुत बार इस रिग्रेट और इस नेगेटिव एनर्जी के चलते आप अपना गला चौक कर लेते हैं रोते रोते. हो सकता है बिकॉज मेरा गला बिल्कुल ठीक है. चेंज, पास्ट लाइव्स, ओके, द इनोसेंस, पॉसिबिलिटीज, बॉटम ऑफ द डेक, लेटिंग गो. मैं ना एक कार्ड और निकालना चाहती हूँ.
बिकॉज आई एम फीलिंग कि आप लोगों के साथ दो एनर्जीज हैं. ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक, एट ऑफ पेंटिकल्स. चलिए शुरू करते हैं गाइस फॉर द पाइल नंबर टू पीपल. सबसे पहली चीज, क्या आपके साथ कोई रहता है? हाँ बिल्कुल रहता है. और अब बात आती है कि वो नेगेटिव है या वो पॉजिटिव है. तो मैं बोलूँगी कि आपके साथ दो एनर्जीज रहती हैं, एक बहुत पॉजिटिव है और एक बहुत नेगेटिव है. ठीक है, एक एनर्जी आपका बहुत बुरा चाहती है और एक एनर्जी आपका बहुत भला चाहती है. क्या हो सकता है, मतलब क्या एनर्जी है यहाँ पर, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ. पहली बात तो आपके साथ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ जैसे कि किसी ने ना आपको तहे दिल से, जैसे कहते हैं ना कि मेरे दिल से ये आह निकलती है, मेरे दिल से ना ये निकला बहुत मतलब गंदे तरीके से. ठीक है, अब ये जो चीज़ मेरे दिल से निकली है तो ये तो भाई जाएगी और बहुत अच्छा वाला जाकर बता कर आएगी. ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, पहली चीज़. ठीक है, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर क्या फील कर रही हूँ कि जो भी आपको आह देता है या आपको जो बद्दुआ देता है ना, उस पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जी आपको स्ट्राइक बैक कर रही है. दूसरी चीज़, आपके खुद के कोई कुलदेव हो सकते हैं, कोई कुलदेवी हो सकती हैं, आपके घर के कोई एंसेस्टर हो सकते हैं, स्पेशली ना फीमेल एनर्जी. एम्प्रेस का कार्ड है, आपके घर में कोई फीमेल एनर्जी है जो काफ़ी लंबे अरसे से रह रही है, वो आपको उस नेगेटिव फॉरम नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालना चाहती है या फिर आपको प्रोटेक्ट करना चाहती है. एम्प्रेस का कार्ड है, मदरली स्पिरिट है. हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कुलदेवी हैं कोई. ठीक है, कोई से भी कुलदेवी हो सकती हैं, कोई कुल के देव हैं. ठीक है, जिनकी फेमिनिन एनर्जी है अभी हाल फिलहाल आपको लेकर के, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं पता है कि आपसे जो भूल हुई है, जो आपको जिस प्रकार का जिस भी तरीके का आपको कोई रिग्रेट है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है, वो जानबूझ के नहीं किया है आपने, आपसे अनजाने में हो गया. ठीक है, वो चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ विद द कार्ड ऑफ एम्प्रेस. एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि जो पॉजिटिव एनर्जी है ना जो आपके आसपास रहती है, मैंने इसीलिए एक्स्ट्रा एक कार्ड निकाला. जो भी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में है, जो आपके कुलदेव हैं, देवी हैं, या कोई कोई है आपके घर में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एंड आई एम रियली सॉरी अगर ऐसा हुआ है आपके साथ, नहीं हुआ है भगवान करे, बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर जैसे आपकी दादी थी जो अब नहीं रही हैं, आपकी नानी थी जो अब नहीं रही हैं, या आपकी मदर हो सकती हैं, कोई मौसी हो सकती हैं, किसी की कोई खाला या पुप्पी, बुआ, चाची, नानी, दादी, कोई भी मतलब कोई आपके घर परिवार का जिसके साथ आपका कोई ब्लड रिलेशन था, वो अगर नहीं रहे हैं ना, तो मैं सही बोलूँ उनकी स्पिरिट है. ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करना चाहती है. एंड इफ़ इट इज़ नॉट लाइक दैट, कोई ऐसा नहीं है जिसका भी कोई इंतकाल हो गया है, जो स्वर्गवास कर गए हैं, जो नहीं है अभी हाल फिलहाल इस 3D वर्ल्ड में, तो मैं ये बोलूँगी कि वो फिर आपकी कोई कुलदेवी है या कोई कुलदेवता है जिनकी एनर्जीज़ बहुत फेमिनिन ऊर्जा में, क्योंकि देखो जनरल रीडिंग है, राइट. सो मैं बहुत सारी एनर्जीज़ यहाँ पर फील कर पा रही हूँ और ये एनर्जी बहुत उग्र है, बहुत तेज है, इस एनर्जी में बहुत पैशनेट एनर्जी है. तो ये जो एनर्जी है ये आपको एज ए मदर प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम द नेगेटिव इविल आई. ये किसी प्रकार की इविल आई भी हो सकती है जो आपके ऊपर है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि मेरे ऊपर तो ना उसकी बद्दुआ लग रही है, मेरे ऊपर तो उसकी आह लग रही है. ठीक है, या मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, तो ऐसा कुछ है. एंड नाउ दिस एनर्जी इज एक्चुअली प्रोटेक्टिंग यू. अब क्या है ना, जब दो एनर्जीज आपस में एक साथ एक फॉरम में होती है ना, तो उनके बीच में लड़ाइयाँ भी होती हैं, उनके बीच में नेगेटिविटी भी होती है. इस चक्कर में आपको बहुत बार अजीब फील होता होगा. स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि कोई आपके घर का कोई ऐसा कोना है या आपके घर की कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आपको बहुत अजीब फील होता होगा, आपको बहुत नेगेटिव फील होता होगा, तो आप समझ जाइएगा कि उस कोने से आपको थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है यहाँ, या फिर उस कोने को, उस जगह को, उस कमरे को, उस एरिया को शुद्धिकरण की ज़रूरत है. तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा फील होता है ना कि आपके घर में या किसी पर्टिकुलर कोने में ऐसा हो रहा है, तो आपने क्या करना है मैं बताती हूँ आपको. आपने लेना है सिनेमन पाउडर. सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर, महीन पिसा हुआ दालचीनी का पाउडर लेना है. क्लोव्स यानी कि लौंग लेना है, लौंग का भी पाउडर होना चाहिए. काली मिर्चें लेनी है आपने, ठीक है,
और ब्लैक पेपर जिसे हम बोलते हैं, काली मिर्ची लेनी है, उसका भी पाउडर, इन तीनों चीज़ों का पाउडर, थोड़ा सा आपने लेना है कपूर, उसका भी पाउडर। अब ये क्या है ना, इसको मिक्स करके आपने पानी के अंदर घोलना है और उसके अंदर ले डालना है आपने आधा चम्मच, ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच आपने उसके अंदर डालना है खाने वाला नमक, जो सफ़ेद नमक होता है, जिसको हम जो किचन सॉल्ट हम जिसे बोलते हैं, जिसे हम खाना खाने में इस्तेमाल में लेते हैं, उस नमक को आपने डालना है। याद रखना है इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप यूज्ड किसी डब्बे में आपने रखा हुआ है और वहाँ से निकाल के आप डाल रहे हैं, नहीं, पैकेट ही फाड़िएगा, एकदम साफ सुथरा पैकेट। सॉल्ट भी आपने ऐसा नहीं कि जो मसालदान में हम डाल के रखते हैं ना नमक, उसको हमने यूज़ ले लिया या हमने कोई किचन में डब्बे में भर के रखा हुआ है वहाँ से ले लिया, नहीं, पैकेट फाड़िएगा नया, ठीक है, उसको लीजिएगा। इन इस रेमेडी को आप करना शुरू करो अपने घर में, स्पेसिफिकली उस कोने के अंदर ये पानी बनाया आपने, छिड़का, अच्छे से छिड़का, ठीक है, या आपने बहुत सारा पानी इसका बना लिया, आपने इस पानी से पोछा लगा दिया घर में, ठीक है, या फिर इस पानी से आप पोछा लगाया और जो पानी बच गया ना उस पानी को वॉशरूम में डाल दिया, ठीक है, डू दिस। मैं सच्ची बता रही हूँ, आपके घर में शुद्धिकरण हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग गंगा जल को भी यूज़ करते हैं फॉर शुद्धिकरण, लेकिन अब गंगा जल को हम वॉशरूम में तो नहीं डाल सकते ना, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव आप काम कर सकते हो अपने घर के शुद्धिकरण के लिए। इनफैक्ट इस रेमेडी को तो कोई भी कर सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपको ऐसा लगता है पाइल नंबर टू पीपल कि आपके घर में कहीं ना कहीं कोई ऐसा एरिया है, कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पर ज़रूरत है, तो डू दिस रेमेडी। आई एम टेलिंग यू इन लाइक नियर अबाउट 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। ये काम कीजिए। अब ये जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो ये चाहती है कि आपकी लाइफ के अंदर नेगेटिविटी रहे, डिले रहे, परेशानियां रहें, आप लोगों के साथ में अपना कंपैरिजन करो, अपने आप को हीन भावना में महसूस करो, आपका काम हमेशा देरी के साथ हो, आपकी सेहत कभी दुरुस्त ना रहे, ठीक है, आप ओवर थिंकिंग करते रहो, पैसे को लेकर के इनसिक्योर रहो, ये चीज़। और जो पॉजिटिव एनर्जी है वो चाहती है, जो ये है ना, जो ये आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ये मदरली स्पिरिट जो है, ये चाहती है कि आपके जीवन में आए चेंज, ठीक है, और वो आपसे कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी में ज़्यादा टैप इन नहीं करेंगे, इनकी एनर्जी में टैप इन करेंगे। तो ये चाहती हैं, ये आपसे कहना चाहती हैं कि देखो, हर किसी का अपना एक पास्ट का कर्मा होता है, एक बैगेज होता है। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है, आप उससे रात को सोने से पहले, और आपको पता है कि हाँ मैंने इसके साथ गलत किया, तो रात को सोने से पहले आप उससे माफ़ी मांगो। पहले करो कर्मा प्रेयर। कर्मा प्रेयर क्या होती है, बहुत ही सिंपल है, मैंने कितनी हज़ारों बार बताया, हर वीडियो में बोलती हूँ मैं ज़्यादातर। रात को सोने से पहले आपने आँख बंद करके बोलना है, हे मेरे प्यारे परमपिता जी, हे मेरे निराकार ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, आपको साक्षी मान के, मेरा नाम ये, मेरे पिताजी का नाम ये, मैं अपने सारे कार्मिकों से माफ़ी मांगती हूँ, पास्ट के, प्रेजेंट के, आने वाले फ्यूचर के, हर कार्मिक से माफ़ी मांगती हूँ, एंड आई होप कि वो अपने जीवन में आगे बढ़े। दैट्स इट। आपको साक्षी मान के इज अ की पॉइंट और अ की लाइन इन दिस प्रेयर। तो आपको ये प्रेयर करनी चाहिए। प्रेयर करने के बाद आपको अगर ऐसा लगता है कि उस इंसान का मैंने बुरा किया या उस इंसान के साथ ऐसा मेरी वजह से हो गया जाने अनजाने में, तो आप उसका नाम लेकर के भी इस प्रेयर को कर सकते हो कि उस इंसान से मेरा कार्मिक बॉन्ड रिलीज हो। डू दिस, क्योंकि आपकी जो ये पॉजिटिव एनर्जी है ना, आपको बताना चाहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पास्ट लाइफ का खेल है। अब आपको अपने जीवन में ना इस रिग्रेट से बाहर आना चाहिए और सोचना चाहिए कि जो होना था हो गया, ठीक है। आपको अब अपनी इनोसेंस पावर को समझने की ज़रूरत है। इस चीज़ से बाहर आएं जितना जल्दी हो सके। आप जितना जल्दी इस चीज़ से बाहर आएंगे, उतने ही आपके पॉजिटिव पॉसिबल चांसेस बनेंगे अपने जीवन में आगे बढ़ने के। सो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द गुड थिंग्स, बिकॉज गुड थिंग्स आर कमिंग इन योर लाइफ बहुत जल्दी। क्योंकि यहाँ पर देखो, अर्थ मैजिक का कार्ड है, जो बताता है कि आपको ग्राउंडेड हो जाने की ज़रूरत है। और यहाँ पर एम्ब्रेस का कार्ड है कि बस अब बहुत हो गया, कार्ड नंबर 22, कि अब बस बहुत हो गया, नाउ स्टॉप दिस एनर्जी, आपको ऐसा बोला जा रहा है। तो जब इतना बोला जा रहा है तो कर लेना चाहिए ना। तो आपके साथ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जीज हैं और दोनों के बीच में होते हैं द्वंद्व, यानी लड़ाइयाँ। और अभी तक तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी है ये आपको बचा रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन हर किसी की एक लिमिट होती है, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लीजिए। जो मैंने सोल्यूशन आपको बोला ना बनाने के लिए, उसको बनाइए, अपने घर में छिड़किए। आपको ऐसा लगता है कि आपके पूरे घर को शुद्धिकरण की ज़रूरत है, आप उससे पोछा लगाइए, ठीक है। और बचे हुए बकेट के पानी को, जो बाल्टी में पानी रह जाता है ना, उसको आप वॉशरूम में डाल दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। मैं सच्ची बता रही हूँ, बहुत पॉजिटिव रहेगा। डू दिस रेमेडी, ओके। और
घर में अगर पेट हैं आपके, या अगर घर में छोटे बच्चे हैं आपके और आपको ऐसा लगता है कि मैं पोछा लगाऊं तो उनको, वो बेचारे नीचे बैठ रहे कर रहे हैं तो उनको इचिंग तो नहीं हो जाएगी, ये तो नहीं हो जाएगी, वो तो नहीं हो जाएगी, तो देख लीजिएगा एक बारी। वैसे ऐसा कुछ होता तो नहीं है, सारे के सारे इंग्रेडिएंट बहुत ही सेफ है, सिक्योर है। बट अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक काम कर सकते हैं कि हर चीज़ की मात्रा कम कम डालिएगा पानी के अंदर। पानी ज़्यादा लीजिएगा, मात्रा कम डालिएगा, क्योंकि हमें वहाँ जम्स नहीं मारने, हमें नेगेटिव एनर्जी को मारना है, ठीक है? तो आप ऐसा कर सकते हो। और जब आप छिड़क रहे हो तो आप नॉर्मल अपने मात्रा जो डालते हो वो डाल सकते हो, ठीक है? तो आप ये काम करने की कोशिश करो। और किसी को ऐसा लगता है कि मैं डेली डेली ये काम नहीं कर सकती, तो एक काम और कर सकते हो, फ्राइडे, सैटरडे या ट्यूसडे ये काम आप जरूर करो। फ्राइडे को बूस्ट करेगा मनी, सैटरडे को प्रोटेक्ट करेगा और ट्यूसडे को कट करेगा नेगेटिव एनर्जीज को। ओके, ऐसा भी कर सकते हो। तो अब मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी और सारी की सारी इतनी वैल्यूएबल हैं, इजी टू यूज़ हैं, फिर भी ना करो तो भाई बहुत गलत बात है। एडवाइजेज है टेक द लीड, कि अब बस बहुत हो गया, आपको अब अपने जीवन का लीड लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। एंड स्पिरिट हैज अ प्लान, और आपकी जो ये स्पिरिट है ना जो आपकी मदद कर रही है, इनके पास प्लान है आपके सेफ्टी के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए। तो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द गुड बूस्ट इन योर लाइफ। ओके, आगे बढ़िए। सो अगर आप लोगों ने रिग्रेट के कार्ड को पिक किया था, यानी कि आपने इस पिंक स्टोन को पिक किया था, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर वन पीपल। आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, इंपॉर्टेंट, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यस, देन डेफिनेटली डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर मेरी आवाज़ पहली बार सुनी है तो, और बी द पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड कमेंट में अपना प्यार देना ना भूलें, ठीक है? जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए डू ऑल दिस स्टफ, लव यू ऑल। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर थ्री पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आप लोगों ने पिक किया है इस खूबसूरत से क्लियर कोड्स को, अगर आप लोगों ने इस क्लियर कोड को पिक किया है ना, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग फॉर ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर थ्री पीपल। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या कार्ड आया है यहाँ पर, जल्दी से चेक कर लेते हैं। सो वी हैव अ कार्ड ऑफ फ्री मैसेज, फ्री मैसेज का कार्ड है यहाँ पर। देखिए इस कार्ड की ऊर्जा को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कार्ड मेरे अभी हाथ में है और आई एम फीलिंग बहुत लाइट, मैं सच्ची बताऊँ बहुत लाइट लाइट सा फील हो रहा है। किसी भी पाइल को पिक करने के बाद इतना लाइट फील नहीं हुआ मुझे जितना अभी इस कार्ड को पकड़ के फील हो रहा है। ये कार्ड नंबर है 39 और यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री स्पिरिट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वी हैव सम स्टार्स, बड़ा स्टार है जैसे ध्रुव तारा हो, फिर छोटे छोटे और बहुत सारे स्टार्स हैं, आधा चांद है यहाँ पर, फिर ये आधा चांद है यहाँ पर, रेज दैट मीन्स सन की ऊर्जा भी है एंड दिस इज एरीज एनर्जी, ठीक है? एरीज की एनर्जी है यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग। तो आई एम फीलिंग अ वेरी स्ट्रांग बॉन्ड ऑफ यू विद द पीपल, लोगों के साथ आपका एक बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड है पाइल नंबर टू थ्री पीपल। एंड कार्ड नंबर 39 यानी 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12 यानी कि तीन नंबर। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए 11 नंबर, 12 नंबर, तीन नंबर इम्पॉर्टेंट है। मैंने 11 क्यों बोला पता नहीं, अंदर से आवाज़ आई, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। और क्योंकि ये ब्लैक इन कलर है तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके आसपास बहुत सारे कार्मिक हैं, बहुत सारे कार्मिक, मतलब भर भर के कार्मिकों का लगा हुआ है तांता, और फिर भी आप लगे हुए हैं अपनी लाइफ के अंदर। लोग आते हैं आपको डिमोटिवेट करते हैं, स्ट्रेस देते हैं, गलत गलत बोलते हैं, बट स्टिल आप लगे हुए हैं। आप हो सकता है अपने जीवन में बहुत सारे दुखों को देख रहे हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन देख रहे हैं, बट स्टिल आप लगे हुए हैं। आपकी एक ऊर्जा है बहुत स्ट्रांग और वो ऊर्जा है कि मुझे करना है, ठीक है, मुझे करके दिखाना है, मुझे हार नहीं मानना है, मुझे करके दिखाना है। और वो जो करके दिखाने की जो एनर्जी है ना आपकी, वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत पोलाइट है, बहुत पॉजिटिव है। मैं एक खुश खुश वाली एनर्जी देख रही हूँ, मतलब मैं एक फ्री स्पिरिट की एनर्जी देख रही हूँ। दिस इज गुड फ्री मैसेज। ओके, सो पाइल नंबर थ्री पीपल, चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। लेट्स सी क्या आपके आसपास कोई रहता है, ठीक
है, क्या आपके आसपास कोई रहता है, क्या कोई एनर्जी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या आपसे कुछ कहना चाहती है। बिकॉज आज अगर आपने इस रीडिंग के अंदर, इस वीडियो के अंदर ट्यून इन किया है, टैप इन किया है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग फॉर यू। ओके, लेट्स सी। किंग ऑफ कप्स, बबली जबली से एनर्जी फील कर रही हूँ मैं, बबली बबली एनर्जी, मतलब खुश खुश, शांत शांत, एक ऐसी एनर्जी जिसने अपने जीवन में दुख भले से देखे हैं, जो अपने जीवन में लेकिन हार नहीं मानना चाहती, ऐसी एनर्जी, ऐसी फ्री बर्ड की एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। नाइटिंगल्स होती है ना, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको गाना गाना बहुत पसंद है, जिनको अच्छा लगता है गाना वाना गाना, है ना, खुश खुश रहना, लोगों को खुशियाँ देना, चैरिटी करना, बॉटम ऑफ द डे किंग ऑफ सोर्ड्स, चैरिटी करना, लोगों के लिए कुछ कुछ काम करते रहना, यू गाइस एक्चुअली लव द लॉट ऑल दीज थिंग्स, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो है अच्छा गाना गाते हैं, अच्छे सिंगर्स हैं। ओपनिंग टू द डिस्कवरी, अ ग्रैंड सिम्फनी, और बॉटम ऑफ द डेक है कार्ड नंबर 48, अ बर्स्ट ऑफ मैजिक। ओके, यहां से चेक करते हैं क्या है। यहां से क्या है देखें तो, यहां से है शेयरिंग, वाओ नाइस। यहां से है स्ट्रेस, ओके। यहां से है कंपैरिजन, ये कार्ड लेना है, दिस वन, लेजीनेस, ओके समझ गए जी। बॉटम ऑफ द डेक गोइंग विद द फ्लो, पाइल नंबर 3, द कार्ड नेम फ्री मैसेज। ओके, पाइल नंबर 3 पीपल, क्या आपके साथ कोई रहता है? हाँ भाई, बिल्कुल रहता है। क्या वो कोई पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। कौन है भाई? ये आपके आर्कएंजल्स हैं, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, गैब्रियल, रफायल, यूरियल। चार एनर्जीज मुझे बहुत फील हुई है यहाँ पे। आप इन चारों एनर्जीज के बारे में गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं ये कैसे दिखते हैं, इनकी क्या स्पिरिट है, इनके क्या फेवरेट कलर्स हैं। ओके, एंड मुझे यहाँ पर ना सेंट की एनर्जी भी फील हो रही है। क्या नाम है उन सेंट का यार, देखो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, मुंह पे है, ज़बान पर नहीं आ रहा, मेरे जहन में है। ओफो, आ जाओ आ जाओ। जो सेंट जिन्हें बहुत ज़्यादा, लाल रंग बहुत पसंद है, हम उन्हें रेड कलर के केक्स और रेड कॉइन्स और डिफरेंट डिफरेंट रेड कलर की चीज़ें ऑफर करते हैं, उन्हें रेड कलर का जैस्मिन बहुत पसंद है। मैं अभी रीडिंग करने के बाद आप लोगों की गूगल करूँगी और डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, ठीक है। उनकी एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है, हो सकता है कि कभी आपने अपनी किसी मैनिफेस्टेशन को कंपाइल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए उनकी हेल्प ली हो, या फिर अगर नहीं लिया ना, तो पाइल नंबर 3 पीपल आप लोगों के लिए मैसेज है कि अगर आपकी कोई इच्छा है तो आप वो करना शुरू कीजिए। मैं पक्के से पक्का मैं लिख के रख लेती हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ चीज़ें, तो मैं ना डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेंशन कर दूंगी उनका नाम, ठीक है। सेंट, सेंट याद आ रहा है मुझे लेकिन वो नाम याद नहीं आ रहा है उनका, बाबा उफ यार कितनी भुलक्कड़ हूँ मैं।
तो मुझे उनकी एनर्जी बहुत फील हो रही है यहाँ पर। मैं सच्ची बताऊँ, मुझे यहाँ पर उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, बहुत बहुत ज़्यादा। मतलब देयर इज़ समवन स्पेशली आर्कएंजल्स के, मैंने आपको सारे नाम बता दिए, इवन चार आर्कएंजल्स की एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है, जो हमेशा आपके साथ बरकरार रहते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ के अंदर ना एट ऑफ पेंटिकल्स, यानी आप कुछ चीज़ों को लेकर मेहनत कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मनी को लेकर के हो सकता है इशूज चल रहे हैं आपकी लाइफ में, और मुझे यहाँ पर ना काफ़ी यंग एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग, या नए नए जॉब करने के लिए निकले, या नए नए अपने घर से बाहर निकले किसी काम के लिए, किसी चीज के लिए, ठीक है। और कभी आप लेजी हो जाते हैं, कभी आप बहुत ही ज्यादा भावनाओं में बह के काम में लग जाते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहां पर फील हो रही है। तो इफ यू गाइज मैनिफेस्ट समथिंग, और आप अगर कोई भी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स करते रहते हो आप, क्योंकि आप लोगों की इच्छाएं बहुत हैं, लेजीनेस का भी कार्ड है यहाँ पर, कंपैरिजन का भी है, स्ट्रेस का भी है, शेयरिंग का भी है। यू गाइज वांट चैरिटी, आप लोग चैरिटी भी करना चाहते हैं, लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ों का स्ट्रेस भी बहुत लेते हैं। आप अपना लोगों के साथ कंपैरिजन भी बहुत करते हैं, पाइल नंबर थ्री पीपल। कभी आप अपने गोल पे रहते हैं और कभी आप अपने गोल से भटक जाते हैं और लेजीनेस की एनर्जी में आ जाते हैं, ठीक है। लेजीनेस की एनर्जी में आ जाते हैं, बट आप मेहनती बहुत हैं, और कहीं ना कहीं आपके जो आर्कएंजल्स आपके साथ मौजूद हैं वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जो मैंने चार आर्कएंजल्स के नाम बताए, हो सकता है कि किसी के आर्कएंजल रफायल हो, किसी के गैब्रियल हो, किसी के यूरियल हो, किसी के मेटाट्रॉन हो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट किसी किसी के हो सकते हैं, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग। नाउ व्हाट दे एक्चुअली वांट्स टू टेल यू, नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी है। वो आपको कहना चाहते हैं कि आपने सिर्फ अपने जीवन में आगे बढ़ना है, ठीक है। आपने किसी चीज़ को लेकर के घबराना नहीं है, आपने सिर्फ अपने जीवन में आगे बढ़ना है। विद द किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा, आपने अपने आप को किसी भी चीज़ के अंदर कमतर नहीं महसूस करना है। आपने हमेशा ये चीज़ सोचनी है कि अगर मेरे पास में कोई काम है मुझे करने के लिए, तो मुझे उस काम को करना है और बहुत स्ट्रांगनेस के साथ करना है, ठीक है। जस्टिस आपको सदा मिलेगा अपने जीवन के अंदर, आपने कभी भी किसी चीज़ से पीछे मुड़ के नहीं झांकना है, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर जो मुझे फील हो रही है, विद द कार्ड ऑफ स्ट्रेस, आपने किसी भी प्रकार के एडिक्शन के अंदर नहीं जाना है, दे ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू। एंड आगे चल करके ना आप एक बहुत अच्छा सोल पर्पज अचीव करेंगे, विद द कार्ड ऑफ शेयरिंग आई एम सीइंग एक अच्छा पॉजिटिव सोल पर्पज आप अपनी लाइफ के अंदर अचीव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कार्ड है ओपनिंग टू डिस्कवरी, यानी कि आपके अंतर मन में ना पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, पाइल नंबर थ्री पीपल, ओके। आपके अंदर पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, आपको इस चीज़ के बारे में पता लगेगा। बट मैं यहाँ पर बहुत ही यंग स्पिरिट देख रही हूँ। हो सकता है कि आप कॉलेज स्कूल गोइंग है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी एज काफ़ी हो गई है बट अभी इतनी मैच्योरिटी नहीं है, ठीक है, या चीज़ों को अभी इतना अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। तो आई मस्ट से पाइल नंबर थ्री पीपल, आप लोग पानी की तरह हैं, क्रिस्टल क्लियर। आपके मन में किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, सबका भला चाहते हैं, बहुत ही इनोसेंट एनर्जी है यहाँ पर आपकी, ठीक है, बहुत इनोसेंट एनर्जी। और वो इनोसेंट एनर्जी आपको सिर्फ इतना कहना चाहती है, पहली बात तो आपके आसपास, आपने इस वीडियो को ट्विन इन टर्न ऑन इसलिए किया है, इस वीडियो के अंदर आप टैप इन इसलिए कर पाए हैं क्योंकि आपके आर्कएंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि उनका नाम क्या है और वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वो कहना चाहते हैं कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ो, डोंट वरी, आपने परेशान नहीं होना है, काम करते रहो, आपको आपका फल ज़रूर मिलेगा। तीसरी चीज़ वो आपको कहना चाहते हैं, स्ट्रेस नहीं लेना है, अपना कंपैरिजन किसी के साथ नहीं करना, अपने गोल पर हमेशा दृढ़ निश्चय के साथ बने रहना है, शेयर करना है चीज़ों को, ठीक है, शेयर करना है चीज़ों को। आपके मन में जो भी बात आती है ना, नो कहना सीखें। हो सकता है पाइल नंबर थ्री पीपल आप लोगों को नो कहना नहीं आता, आपको मना करना नहीं आता, आप हमेशा चीज़ों को लेकर के हाँ बोल देते हो, ऐसा नहीं। अपने आप को आपने ढूंढना है, डेली कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप कर सकते हो, या फिर आप कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपकी कोई भी ख्वाहिश है ना, प्रैक्टिकल ख्वाहिश है, ठीक है, आप उसके लिए कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे 33x3 हो गया, 55x5 हो गया, ठीक है, कोई भी ऐसी टेक्निक का आप इस्तेमाल कर सकते हो। एंड ग्रैंड सिम्फनी का कार्ड है, ग्रैंड सिम्फनी का कार्ड, इसका मतलब यहाँ पर है कि आपके जीवन का जो उद्देश्य है वो बहुत बड़ा है, वो बहुत सुखद है, वो बहुत पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, तो आपने परेशान नहीं होना है। यहाँ पर इसीलिए ये चीज़ आया है, फ्री मैसेज, यानी कि आपको फ्री एनर्जी में रहने की ज़रूरत है, आपने ना चीज़ों को लेकर के भटकना नहीं है। बॉटम ऑफ द डे यहाँ पर आया था, गो विद द फ्लो,
तो गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है, आपने चीजों को लेकर के भटकना या परेशान नहीं होना है, ठीक है। सो ये आपके आर्कएंजल्स आपसे कहना चाहते हैं। नाउ एनिमल स्पिरिट्स की तरफ से आप लोगों के लिए एक टेक्निक आई है, एक्ट एज इफ। आई थिंक सो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को एक्ट एज इफ टेक्निक के बारे में पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। एक्ट एज इफ एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट बाइक इन योर लाइफ, तो आपने ये चीज़ महसूस करनी है कि आपके पास बाइक है, आपकी बाइक आपके गैराज में खड़ी है, आपकी बाइक आपके पार्किंग एरिया में खड़ी है, उसकी चाबी है आपके पास, ओके आपको महसूस करना दैट यू हैव अ बाइक। एक्ट एज इफ पॉसिबल, जब भी पॉसिबल है ऐसा महसूस कीजिए, ऐसा एक्ट कीजिए दैट यू हैव। आप बहुत अमीर बनना चाहते हैं या कोई जॉब हासिल करना चाहते हैं तो उस इनसिक्योरिटी से बाहर आइए, और एक्ट एज इफ के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, तो आप वो टेक्निक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए कार्ड ही निकल गया एक्ट एज इफ का, इसलिए मैं बोल रही हूँ। नेक्स्ट आप लोगों के लिए है यू सी क्लियरली नाउ। जैसे ही आप ऐसा करना शुरू करोगे आप क्लियरली देखना शुरू कर दोगे आपके जीवन में, जैसे आउल देखते हैं ना रात को, बिल्कुल वैसे ही। सरेंडर नाउ किसी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक का की इंग्रेडिएंट होता है सरेंडर नाउ। जैसे ही आप उस चीज को सरेंडर कर देते हैं ना, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं सरेंडर का मतलब भूल जाना होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। किसी चीज की चाह है तो आप उसको भूल कैसे सकते हो? ठीक है, जिस भी चीज की चाह है उसके लिए कोई भी टेक्निक करो, लेकिन उसके रिजल्ट से अटैच मत रहो। परमात्मा को सौंप दो कि मैंने ये चीज बोल दी है आपको, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप देख लो आपको जो सही लगता है वो कर दो। तो सरेंडर नाउ एंड मेक योर ड्रीम्स रियल। और हो सकता है कि कुछ ऐसे अनरियलिस्टिक प्रैक्टिकल प्लान्स नहीं है जो आपने अपनी ख्वाहिश की लिस्ट के अंदर ऐड करे हुए, तो थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के सोचो, है ना, अपने एकदम क्लियर ड्रीम्स रखो और आगे बढ़ो। सो दिस इज व्हाट योर पाइल नंबर 3 सेज। अगर किसी ने भी क्लियर कोट को पिक किया था, क्लियर कोट्स को पिक किया था, तो उन लोगों के लिए ये मैसेज था उनके आर्कएंजल्स की तरफ से। तो गाइस गूगल कीजिए अभी आपके आर्कएंजल और डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, मैंने लिख दिया है वहाँ पे सैंट, आगे नाम याद नहीं आ रहा मुझे तो मैंने वहाँ लिख दिया है, आप लोग पिक कर सकते हैं, पॉजिटिवली इस काम को कर सकते हैं। You guys will feel positive victory in your life और जो भी आपके dreams हैं वो manifest हो जाएंगे। So basically manifest कीजिए आपकी ज़िंदगी ना आप कैसे मुट्ठी में है। Okay. So this is all about today's reading for the pile number 3 people. Like this video if you like this reading, you resonate with this reading. Comment में अपना प्यार देना मुझे ना भूलें, और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो इस channel को subscribe कर लीजिए and be the part of this family. Love you all, जल्दी मिलेंगे कौन है reading में।